So hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Once again, my name is Monica and I'm a cabin crew from last 1 year. So guys, if you're new to this channel, don't forget to like, subscribe to my channel and bell icon zarur press karna taki aapko recent video ke updates jal se jal mil jaye. And guys, you can follow me on Instagram also. Instagram ki ID bhi aapko maine yahan pe mention ki hui hai. So guys, काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी मेरे घर पे और आई वॉज़ नॉट वेल. एक्चुअली आप देख ही पा रहे होंगे मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी पहले, इसीलिए वीडियो शूट करने के लिए भी एक मूड चाहिए होता है जो नहीं था. बट अभी मैं ठीक हूँ और फाइनली मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ और अभी के अभी इसे अपलोड कर दूँगी और आगे से टाइम पर ही मेरे वीडियोज़ आएंगे. सो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे डीएम किया, मुझे मैसेजेस किए कि मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई है. तो इसीलिए आज फाइनली वीडियो आ गई है और अभी बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड थंबनेल के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो है डज लुक्स मैटर इन कैबिन क्रू इंटरव्यू और डज लुक्स मैटर इन एविएशन इंडस्ट्री. सो क्या लुक्स मैटर करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं बिकॉज काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लुक्स को लेके अवेयर नहीं हैं. ठीक है, वो सब चीज़ पे वर्क कर लेते हैं अपनी, लेकिन लुक्स से वो मार खा जाते हैं एंड फिर इंटरव्यू में आउट हो जाते हैं. तो उन्हें ये प्रॉब्लम होता है कि हमें क्यों आउट कर दिया गया, हम क्यों निकल गए, हमारे अंदर हर क्वालिटीज़ है, हमने हर चीज़ अच्छी परफॉर्म की, फिर हमें क्यों आउट किया गया. सो गाइज, लुक्स एक बहुत छोटा वर्ड है. अगर इसे आप अपनी तरफ से क्या डेफिनेशन देना चाहोगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पर इसे लुक्स की अगर देखा जाए, अगर एक छोटी डेफिनेशन मैं देना चाहूँगी तो मैं इसे दूँगी एक अट्रैक्टिवनेस और एक आपका होल फिजिकल अपीरेंस. सो गाइज, एज यू ऑल नो कि जो एविएशन इंडस्ट्री है वो ग्लैमर इंडस्ट्री है और ग्लैमर इंडस्ट्री में तो लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. ठीक है, सो अपीयरेंस आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है गाइज, सो यहाँ पे लुक्स का मतलब ये नहीं है गाइज कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई थोड़ा सा डस्की कॉम्प्लेक्शन का है. ठीक है, देखिए हर तरह के रंग के जो लोग होते हैं उन सभी को बराबर रिस्पेक्ट मिलती है एविएशन इंडस्ट्री में. ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये ग्लैमर इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो गोरे लोगों को ही लेते हैं, अच्छी हेल्थ है, सुंदर लोगों को ही लेते हैं. ऐसा नहीं है, आपने ब्यूटी विद ब्रेन का नाम भी सुना ही होगा. ठीक है, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, थोड़ा सा दिमाग भी आपको होना चाहिए, वो एबिलिटीज़ होना चाहिए उस काम को करने के लिए जो आप जिसके लिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं. आपके ऊपर अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, आपकी स्किल्स, आपकी हॉबीज़ उस जॉब से मैच करनी चाहिए और आपका बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बात करने का तरीका, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ये सारी चीज़ें लुक्स में आती हैं मेरे हिसाब से तो. ठीक है, और लुक्स का मतलब जब हम लुक्स की बात करते हैं तो सिर्फ लोग फेस को लेके बैठ जाते हैं. लुक्स मतलब फेस, आई नो कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है एयरलाइंस ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स को लेके. क्यों? बिकॉज आपका जो फेस है ना, आपका जो लुक्स है, आपका जो अपीयरेंस है, वही एयरलाइंस को रिफ्लेक्ट करता है. आप ही हो, यू आर द फेस ऑफ द एयरलाइन. सो अगर आप ही अगर उस चीज़ को, अपने लुक्स को, अपने अपीयरेंस को ठीक नहीं करोगे तो आपको एयरलाइंस कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी. कंपनी सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपके अंदर यही चीज़ देखती है कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आप किस तरीके से बात करते हो, आपकी बातों में एक ठहराव है या नहीं, आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हो, बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हो, कम बोलते हो या बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलते हो. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए. आपके लुक्स के साथ साथ ये चीज़ें भी मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अगर आप ये सब चीज़ें आपकी ठीक नहीं है तो आपको इन चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा. एज यू ऑल नो कि जब जब आप ग्रूमिंग राउंड होता है तो उसमें एयरलाइन सबसे ज़्यादा बोलती है कि आपका स्पॉटलेस स्किन होना चाहिए, क्लियर स्किन होना चाहिए, जिसमें ना तो कोई पिंपल्स हो, स्कार्स हो, ना कोई ब्लेमिशेस हो, ना कोई पिगमेंटेशंस हो, एकदम क्लीन एंड क्लियर स्किन कंपनी आपसे मांगती है. ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे चेहरे पे जब आप और मेकअप करते हो ना, जब कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जब आप रेडी होते हो, उनका ग्रूमिंग जो फॉलो करते हो, तो और भी ज़्यादा आप स्टैंडर्ड लगते हो, आप और भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि आप कंपनी के नाम को और भी ज़्यादा ऊंचा कर देते हो. बिकॉज एज यू ऑल नो गाइस कि जब हम इंडिगो का नाम लेते हैं तो सबसे पहले मन में हमारे इंडिगो की क्रू क्लिक हो जाती है कि इंडिगो की क्रू कितनी सुंदर होती है. हम आज इंडिगो की फ़्लाइट में जा रहे हैं, आज तो क्रू हमें, आज हम देखेंगे इंडिगो की क्रू को. जब स्पाइस की बात आती है तो मन में स्पाइस जेट की क्रू सबसे पहले क्लिक होती है. तो सो यू आर द फेस ऑफ द एयरलाइन. आपको ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, लुक्स बहुत मैटर करते हैं इस इंडस्ट्री में. एंड
अगर अभी तक आप अवेयर नहीं थे तो आप प्लीज़ इस पर अवेयर हो जाइए अपने लुक्स को लेकर. थोड़ा सा अगर लाइक पिंपल्स है तो आप अभी से उसे ट्रीट करना शुरू कर दीजिए. अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आपके फेस पे हैं तो आप किसी डर्मेट से मिलिए, किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को आप दिखाइए और उस पर अभी से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दीजिए. अगर थोड़े बहुत पिंपल्स है लाइक कभी कभी हार्मोन चेंजेस के कारण, खाने पीने के कारण, मौसम में बदलाव आने के कारण हो जाता है, तो उसको आप ही ट्रीट कर सकते हो, खुद से घर पे ही ट्रीट कर सकते हो. आपको बहुत सारा पानी पीना होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने होंगे, फ्रूट्स खाने होंगे. इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, बिकॉज सारी जितनी बीमारियाँ ना वो पेट से शुरू होती है. अगर आपका पेट अच्छा है, आपका पेट जो आपका स्टमक अगर हेल्दी है, तो आपका स्किन ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाएगा. सो इंटरनल के साथ साथ आपको एक्सटर्नल भी अपनी स्किन के लिए कुछ DIYs, कुछ फेस पैक्स और टोनर्स, मॉइस्चराइजिंग, क्लेंजिंग, ये सब प्रॉपर जो CTM होता है वो फॉलो करना होगा. तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी और एकदम चार्म रहेगी, अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, अच्छे से हील कर पाएगी, ब्रीथ कर पाएगी. सो आज का वीडियो यही था गाइज, यही था. लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. अगर इसके ऊपर भी कोई डाउट है थोड़ा बहुत, सो लेट मी नो ऑन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे देखना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगी. एंड गाइस, मैंने आपको जैसे बता दिया कि एक दिन मेरा वीडियो आता है तो 2 दिन का मुझे गैप चाहिए होता है, उसके बाद अगेन मेरा वीडियो आता है. सो हमेशा सुबह की लाइक 11 AM ही मेरा वीडियो आया करेगा. अभी तो लाइक आज मैंने फटाफट से शूट किया है और ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज इतने दिन से वीडियो नहीं आ रहा था. सो उसके लिए हम रियली रियली दिल से सॉरी, पर अब से टाइम से मेरे वीडियोस आपको मिल जाया करेंगे. एंड गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. सो मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर.